जो भाईचारे की जो बात करते थे ना, वो भाईचारा ना 2014 के बाद बिल्कुल साफ सपट दिखा दिया। हर साल और 2 साल के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बनती जा रही है और उस इस्लामिक स्टेट में हिंदू खत्म होते जा रहे हैं। और हमारे हिंदू बहन बेटियां जा करके वहाँ चादर पे चादर, चादर पे चादर, पता नहीं ठंड लग रही है क्या उसको। उनकी तस्वीरों के आगे हाथ ही जोड़ लेकर उनको तो पूछ नहीं रहे, घर में बूढ़े बुजुर्ग बैठे उनको पूछ नहीं रहे। आप देखो, इस देश को क्या गजवाए हिंद बनाने का काम नहीं चल रहा था कांग्रेस सरकार के समय में। तो डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया के बाद पता लग रहा है शादी ब्याहों में थूक थूक के खुला रहा है। हमारे फरीदाबाद के सूरजपुर में पकड़ा गया था एक मुसलमान लड़का, मोहम्मद जाकिर, नहीं क्या नाम है, नाम भी नहीं ले पाते इनकट पड़े, कह रहा मैं संविधान नहीं मानता, मैं तो सरिये को मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र की लगातार बात करने वाले हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। मुस्लिमों को कुछ समझते ही नहीं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं समझते। मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं हम लोग, और कुछ जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान समझते हैं, कुछ जो शरिया को मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते। देखो ना, ये परसों की वीडियो आई है, एक बिलाल, पता नहीं क्या नाम है उसका, बिलाल मोहम्मद जाकिर, नहीं क्या नाम है, नाम भी नहीं ले पाते इनकट पड़े, कह रहा मैं संविधान नहीं मानता, मैं तो शरिया को मानता हूँ। उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए सबसे पहले, तो मैं बता दूँ, ठीक है। और आज जो एक आर्मी बनी है, जे भीम आर्मी वाली, यार इतना उनको, जो संविधान नहीं मानते थे, जो शरिया से चलने वाले लोग थे हैं, आज संविधान में एक एक्ट जुड़ जाए कि हम दो हमारे दो, लेकिन वो तो नहीं मानेंगे तुम्हारे मीम, तुम्हारे भाई जो हमें, हमारी बहन बेटियों को जो टारगेट बनाते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। इस देश का इस्लामीकरण की तरफ पहुंच चुका है, 25% इस्लामीकरण कर दिया राजनेताओं ने, जो पहले यहाँ पर 70 साल राज करके चलेगी। और जो भाईचारा गंगा जमुना की तेजीब करते हैं, जो या इनके ढोंग से बचो ना यार। गंगा जमुना की तेजीब वाली, गंगा हमारी जमुना हमारी, तेजीब कौन सी, गौ माता को मारने वाली, गौ काटने वाली, गौ माता को खाने वाली। कैसे ये भाई वाली बात करते हैं। ये पानी तो वो भी उसी गंगा जमुना का पीते हैं भाई, पीते हैं तो वो मानते नहीं है ना, वो पी रहे हैं, मान ही नहीं रहे। भाईचारे की बात करो। अब देश में हिंदू राष्ट्र की बात बनेंगे, दर्द उठ जाता है। क्यों दर्द उठ रहा है भाई हिंदू राष्ट्र पे आपको, जब इतनी 57-58 कंट्रियाँ इस्लामिक बन रही है। हम देख रहे हैं आज 23 चल रहा है, ठीक है, 24 में एक स्टेट और बन जाएगी, फिर उसके बाद 25 में एक स्टेट और बन जाएगी, 27 में नहीं बनेगी तो 28 में एक स्टेट बन जाएगी। हर साल और 2 साल के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बनती जा रही है और उस इस्लामिक स्टेट में हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। हिंदुओं को इतना बुरा हाल कर रखा है भाई मेरे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान में ढोंगी, जो भाईचारा कहते हैं ना, जो मुसलमान और कुछ जे चंद जिनमें सेकुलर का मोटा चश्मा है। एक बार इस्लामिक कंट्री में पढ़ो कि वहाँ पर सारे मंदिर तोड़ दिए गए, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। जिन बहन बेटियों ने अपनी इज्जत जानती थी वो अपने, उन्होंने गला काट लिया या झेर खा करके मर गई। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए ये काम। इस बार बताइए, जिम कॉर्बेट में भी अभी बहुत सारी मज़ारों का मामला जो है वो सामने आया, उनको भी तो हटाया जा रहा है। बिल्कुल हटाया जा रहा है। फरीदाबाद में, दिल्ली में भी हटाई गई है। दिल्ली में निजामुद्दीन के पास में एक वो मज़ार बन रखी थी, अवैध कब्जा कर रखा है। अब मैं उन हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अब तक 1000-2000 मज़ारे कुछ 2-3 महीने में टूटी गई हैं। सरकारी रोड निकल रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ डीएम साहबों को सलूट है, उन डीएम साहबों को कि यार खोदो तो सही, 10 फुट, 15 फुट, 30-30 फुट खोद दिया यार। 30 फुट में भी कोई हड्डी नहीं निकली। अरे किसी जानवर की हड्डी निकल जाती, किसी कुत्ते की भी हड्डी नहीं निकली। कोई 50-100 साल पहले, 1000 साल पहले मरा, वो भी नहीं निकल रही है। तो डीएम साहब ने बोला थोड़ा सा और उधर खोदो, थोड़ा सा और इधर खोदो, थोड़ा सा और इधर खोदो, यार कहीं भी कुछ नहीं निकल रहा यार। ये क्या चल रहा है भाई हमारे देश में यार। और हमारे हिंदू बहन बेटियां जा करके वहाँ चादर पे चादर, चादर पे चादर, पता नहीं ठंड लग रही है क्या उसको। अरे पत्थर को ठंड लग रही है कि सड़क को ठंड लग रही है, किसको लग रही थी ठंड? अपने घर के अंदर तुम हिंदू हो, अपने बड़े पूर्वज जो गुजर गए हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी तस्वीरों के आगे हाथ ही जोड़ लेकर उनको तो पूछ नहीं रहे। घर में बूढ़े बुजुर्ग बैठे उनको पूछ नहीं रहे। मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को फायदा दिखता है इस्लाम धर्म के अंदर, क्योंकि इस्लाम धर्म को अपनाते भी हैं। किसी ने चाहे शादी करनी हो, पिछले दिनों राखी सावंत ने फातिमा बन गई थी, वो भी शादी प्यार के चक्कर में। अरमान मलिक ने इस्लाम कबूल किया, तो कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है ना। फ़ायदा कुछ नहीं है जी। देखो राखी सावंत तो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो वो तो बस एक ना, मैं कह रहा हूँ शायद बाजारू लड़की उससे ज़्यादा अच्छी होगी राखी सावंत से। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी गेहूं से शादी कर लेती है, पता नहीं, उसका समझ से बाहर है। देखो मेरा ऑफ केवल एक ही मोटिव है, ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की जो बात करते थे ना, वो भाईचारा ना 2014 के बाद बिल्कुल साफ सपट दिखा दिया। कोई भाईचारा नहीं था, केवल इस देश के अंदर प्रोपोगंडा चल रहा है। किसने दिखाया? मोदी जी ने, बीजेपी सरकार, भाई साहब सच्ची सरकार ने दिखाया। सच्ची सरकार, सच्ची सत्य सनातन धर्म वाली सरकार, इतनी प्यारी सरकार जिसने एकदम खुला खोल के दिखा दिया कि भैया कुछ नहीं है, ये सब केवल एक प्रोपोगंडा है और फंसोगे, एक दिन लटकोगे यहाँ पर आप लोग। आप देखो इस देश को क्या गजवाए हिंद बनाने का काम नहीं चल रहा था कांग्रेस सरकार के समय में है। पीएफआई का एजेंडा पकड़ा गया ना, इस देश को गजवाए हिंद बनाने की कोशिश करी जाती। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ सेकुलरों को, जैसे एक ये भाई खड़े हुए हैं सेकुलर, इनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के अंदर गलियाँ गजवाए हिंद हो चुकी हैं, कॉलोनियाँ गजवाए हिंद हो चुकी हैं, स्टेटें गजवाए हिंद हो चुकी हैं। आप देखो ना, आप मैं कह रहा हूँ इतना ही भाईचारे की बात है तो जामिया अब्दुल फजल की गलियों में से जरा जय श्री राम का नारा निकाल करके दिखा दो आप, चलो मैं मान जाऊँगा, चलो भाईचारे वाली बात है। मौजपुर करावल नगर शास्त्री पारा की इन सब जगहों पे आप जय श्री राम का नारा ये इस गली से निकलो और उस गली से आप सही सलामत निकल जाओ। आप पत्थर और गमले और पानी और गंदा गंदा पानी और थूकेंगे और ये लोग आप नहीं देख रहे हो शादी ब्याह में थूक के हलाल कर करके खिला रहे हैं लोग, आप नहीं देख रहे हो यार हमें भी। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया स्मार्ट इंडिया के बाद पता लग रहा है शादी ब्याहों में थूक के खिला रहा है। हमारे फरीदाबाद का सूरजपुर में पकड़ा गया था एक मुसलमान लड़का जो आटे पे लात मार करके उसको हलाल करके थूक करके खिला रहा था। मुसलमान लड़का, उससे जब पूछा गया था मैं मुसलमान हूँ, उसने बोला तूने थूका नहीं थूका गया। उसे जब वीडियो दिखाई गई ना ये क्या है, तो उसके पैर फूल गए। समझो जी इस देश तो जहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात जो है बात करें तो धर्मगुरु भी कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने करी एफआईआर हो रखी हैं, फिर क्यों नहीं हिंदुत्ववादी लोग जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री को इन एफआईआरों से बचा रहे हैं। देखो सुनो, संविधान है ना, संविधान थोड़ा सा लचीला है, थोड़ा सा लचीला है। देखो सुनो, हम आप बचपन में छोटे होंगे, आप बड़े हुए थोड़े से, 1 साल 2 साल 3 साल, समय के हिसाब से आपके कपड़े भी चेंज हुए, चप्पल जूते भी चेंज हुए, आपका हाव भाव भी चेंज हुआ। तो आप समझो समय के हिसाब से आज पहले पॉपुलेशन हमारे देश की कुछ थी और अब पॉपुलेशन हमारे देश की कुछ है। वर्ल्ड नंबर 1 बनने जा रहे हैं, पूरी दुनिया पे राज करेंगे हम लोग अब, ठीक है, पूरी दुनिया पे अर्थ चलाएंगे। अर्थ इतनी बढ़िया हो जाएगी भारत की, पूरी दुनिया को चलाने वाले ये स्टेट बनेगी भारतीय। तो क्या ये पुराने संविधान से चलता रहेगा यार? संविधान कहीं कमजोर है तो मजबूत करो। मेरे देश के अंदर रेपिस्ट घूम रहे, मैं कई रेपिस्टों के नाम गिनवा दूंगा आपको, बड़े बड़े गैंगस्टर घूम रहे हैं। यहाँ गोली मारी, बंदा गया, बंदे ने जो गवाही जिसने देखा, मैंने गवाही दी, मेरे को डरा धमका दिया, मैंने जाके गवाही तोड़ दी। गवाही तोड़ने के बाद वो बंदा बिल्कुल बरी, पट्टी बंधी हुई है, बरी। अरे हमारे जो हमारे प्रशासन कानून होता है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, वो सबूत दे देते हैं, वीडियो क्लिप दे देते हैं। अरे एक दिल्ली मदन गिरी की दिखा रहा हूँ, दे चाकू बचा रहे थे, वो बरी घूम रहे हैं यार। पता नहीं कैसा संविधान है भाई। एक मुस्लिम ने अभी जो है वीडियो यार हमारे फोन में ही वीडियो है, वो कैसे बरी घूम रहे हैं। बंदा मार दिया उन्होंने ATM के आगे, और ATM का कैमरा भी क्या फ्रॉड है क्या यार? इसलिए कह रहा हूँ इसमें थोड़ी सी कमी है। जब हमारे देश का जब कहेंगे तब मजबूत होगा ना कानून, इतना मजबूत कि थप्पड़ मारने से बंदा डरे, थप्पड़ मारने से कि भैया 6 महीने के लिए घर में ताला लगेगा और 2 साल के लिए तू जेल जाएगा। ऐसे ऐसे कानून नियम बनने चाहिए तगड़े कि हम भी थोड़ा सा किसी से बोलने से हिचकिचाए पे कुछ कह दिया ना तो घर में ताला लग जाएगा, फिर रोड पे सोना पड़ेगा, ऐसे हालात हो जाएगी। मेरे कहने बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं सवाल सबसे बड़ा है। आप लोगों की क्या है राय? नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।